हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबके जनाब में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा फीवर है कल से, तो अभी हम इसे दिखा देंगे। और आज है 23rd जून, कल अम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो उसकी भी हमें प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए आप साथ साथ देखते जाइए। चले पहले ये सोचा है कि आप को क्या गिफ्ट दे, सब कुछ तो है ना, तो हम एक चीज करते हैं, रेड सूट लेते हैं, उसे कोशिश करेंगे सिला सिलाए मिल जाए, वो कल तक सिल दे, रेड चूड़ियाँ और दुल्हन जैसा थोड़ा लुक करते हैं। पूरा लुक अच्छा लगेगा, मैंने कभी ऐसा पहना भी नहीं। अम्मी के साइज की चूड़ियाँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मुझे तो प्रॉपर रेड चूड़ा चाहिए था, तो मुझे इस शॉप में मिल गया है फाइनली, तो मैंने ये वाला ले लिया है। दुल्हन वाली लेस के बिना तो दुपट्टा अधूरा है। उसके बाद हम गए केक वाली शॉप पे, मुझे थोड़ा सा स्पेशल हार्ट टाइप का केक चाहिए था, वो भी पाइनएप्पल फ्लेवर में, क्योंकि अम्मी को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी हो गया है। अभी चलते हैं घर। इस वक्त बज रहा है 9 बजने वाला, 9:05 हम लोग केक पिक करने जा रहे हैं। सवाल क्या ध्यान फ्लावर देने को सामने ही रख दिए पहले से ही। आपको खाना खा लेना चाहिए था, ये खाना खा लेना चाहिए क्योंकि अभी आपको मेहंदी लगानी है। अभी हाँ। पूरी इतनी दुल्हन जैसी लगाओगी नहीं। हाँ तो अच्छा है ना, एनिवर्सरी है और देखो वो कितने कम टाइम में आ गई। थैंक यू सो मच। मुझे शाम को ख्याल आया कि अम्मी को बहुत ज्यादा मेहंदी का शौक है और मेहंदी के बिना एनिवर्सरी अधूरी है, और मैंने इनको मैसेज किया और आप आ गए। थैंक यू। और फ्रेंड्स, मैं इनका इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनसे मेहंदी लगवा सकते हो। थैंक यू। तो दुल्हन कैसे लग रहा है तुम्हें ये सरप्राइज मेहंदी? अम्मी का दुपट्टा कैसा लग रहा है? इतने नखरे हैं ना कसम से पूरा, मतलब ऐसे वो एक्टर नहीं होता, मैं सही नहीं लग रही, कट करो, ऐसे अम्मी ने कट करा दिया था। कैसा लगा ये सरप्राइज मेहंदी वाला? बहुत अच्छा। बहुत ही प्यारी लगी हुई है। अम्मी को ख्वाहिश रहती है भरे भरे हाथों की। भोपाल में लगाती गई थी। हाँ, भोपाल में अम्मी को हम लगवा देते थे कहीं पार्लर पे या कभी हम, लेकिन इतने सालों में अम्मी ने एनिवर्सरी पे कभी मेहंदी नहीं लगाई थी, लेकिन बनती है ना, तो इसीलिए आज लगवा दी। बर्थडे में तो चल जाता, ठीक कर लो, लेकिन शादी में क्या शौक करो? शादी में तो करना चाहिए, बर्थडे में तो क्या होता, शादी इतनी खुशी के दिन होते, ना शादी होती ना हम होते। अरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए तो क्या ही साल गिरा। नहीं सब अभी उम्र से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं यही समझाना चाहती हूँ, उम्र से कुछ नहीं होता, सब कुछ करो। अभी बज रहा है 11:30, आधा घंटा बचा है, हम करेंगे ब्रिंग इन, 12 बजे आपसे मिलते हैं। बच्चों की शादी की साल गिरा आती है, तो उसमें हम खूब खुशी करते हैं, मनाते हैं। अब आपकी आती है तो हम मनाते हैं, हमारा भी बनता है। आज तो पूरा दुल्हन जैसा माहौल है भैया। और बड़ा निवाल, इतना बड़ा निवाला क्यों खिलाया ना फ्रेंड? दाल, करेले, कद्दू, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटा दिया मैंने अम्मी, ऐसा शादी में भी हुआ था। रात का वक्त है तो आज ज्यादा रेडी नहीं होंगे, इंशाल्लाह कल रेडी होंगे, अम्मी को भी बहुत अच्छा रेडी करेंगे। लिप्स मैंने पहले पीच वाला ग्लॉस लगाया, उसके ऊपर पिंक टिंट लगाया है और थोड़ा सा चीक पे भी टिंट लगाया, कितना नेचुरल आया ना फ्रेंड्स। आप लोग भी ट्राई करना, कोई भी पीची वाला ग्लॉस लीजिए और उसके ऊपर हल्का सा पिंक टिंट लगाइए, तो इस तरह के लिप्स लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। चलो अभी हम आपसे मिलते हैं बर्थडे ब्रिंग इन, एनिवर्सरी ब्रिंग इन पर। चलो क्या बोल रहे हैं, कंग्रेचुलेशन बोलो। केक कटिंग हो गई है, अभी हम लोग खाएंगे केक, भाभी हमेशा की तरह केक कट करते हुए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और भाभी और भाई नहीं खाएंगे, खा लेंगे हाँ, तो कल से कर लेना, क्योंकि पाइनएप्पल वाला बनाया था, मम्मी को भी पसंद है और फ्रेश बनवाया। हेडलाइंस हो जाती, बनवाया था कोई एक जगह से, मतलब बना बना नहीं रहा, बहुत अच्छी आ रही है, फ्रेश लग रहा है। अम्मी पापा का एनिवर्सरी और गिफ्ट भाई को मिल रहा है, वो दिया ही नहीं हमने, भूल गए थे। ये देखो एनिवर्सरी इनकी गिफ्ट मुझे मिल रहा है। तो मैंने क्रीम कलर का चंडीगढ़ से लिया। अच्छा, ये इसके साथ सही है। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है, मैं गर्म पानी कर रही थी क्योंकि मुझे पीना है एप्पल साइडर विनेगर।
मौसम देखिए फ्रेंड्स, बारिश हो रही है, स्कूल की छुट्टी की है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज इसको एक दिन रेस्ट कराया है। और देखो ये क्या कर रहा है, छुट्टी का पूरा फायदा उठा के देख रहा है तारक मेहता। इतने दिनों बाद डोरेमोन देख के बहुत मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, अगला दिन हो गया, हैप्पी एनिवर्सरी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने दिखाओ, बच गई ना, अभी और कलर आ जाएगा। अच्छी लग रही है बहुत, आपका सूट भी अच्छा लग रहा है। भाभी लाई थी कब, 2-3 से बिग बॉस में गई थी, उसके बाद उसके बाद लेके आई थी। हमने कहा आज जुमा है और हमारी शादी की सालगिरह है, हमने कम पहले भाभी का सूट नया। स्कूल से आ रही है फ्रेंड्स, खा रहे पार्ले जी, फेवरेट कॉम्बिनेशन। मम्मी की मेहंदी तो लग गई लेकिन पापा का नाम ही लिखाना भूल गए। और ये देखिए लिख दिया है इब्राहिम और सितारा। फ्रेंड्स अभी मेरा कुछ काम भी था यहाँ पास वाले टेलर वाले भैया के पास, तो वो कर दिया। और मम्मी का सूट का जो है वो मैसेज आ चुका है वहाँ से कि सूट रेडी हो गया। मौसम आज अच्छा है, रेडी हो गए फोटो शूट के लिए। हम जल्दी से 7th फ्लोर जाएंगे, बाहर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश है। मुंह पर आ गए फ्रेंड्स और देखिए सारा घर साफ हो गया, फोटोज क्लिक हो गई है, वीडियो भी बन गया है। अभी चलते हैं और अभी पापा के लिए कुर्ता लेके आते हैं ना, बाकी सब तो हो गया। चश्मा ऐसे ही हो जाता है। ये सारी चीजें मिल गई है, अभी चलते हैं घर और सरप्राइज करते हैं अम्मी को। पापा तो पता नहीं सरप्राइज होंगे या नहीं। हाँ अम्मी क्या खाओगी बताओ, अभी आपकी रिपोर्ट तो नहीं आई है, आपका जो ब्लड टेस्ट कराया है। मैंने उनको मैसेज किया था कि आपका कोलेस्ट्रॉल सही आया तो मैं आपको पिज्जा खिला दूँ, आपको फेवरेट होगी। बता तो कुछ थोड़ा क्या खराब है, मानसिक संतुलन क्यों, आपने क्या बोला अभी। अभी मैं बाहर से आती हूँ, आप में से कोई लोग मुझे मिलते हैं ना तो मैं अम्मी को आते साथ जाती हूँ, अम्मी को ऐसे मिला था, पूछ रहा था, आपको पूछ रहा था। आज मुझे बताना ही था कि मैं मैक्सिमम मॉल गई थी लेकिन मैंने कहा अम्मी आपको कोई पूछ रहा था और पता चल गया अम्मी को। अम्मी आप सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, हमारे ब्लॉग भी देखते हैं, आपको तो सभी पसंद करते हैं। और अभी मुझे नई नई दुआएं मिलने लगी है कि आप सब ये बोलते हैं आप और सनी हमेशा खुश रहो। ये कहाँ से लाई हो तुम, ले आए बस, कैसे उड़ेंगे जैसे उड़ते हैं, ये तक बच्चे दुल्हन का जोड़ा नहीं होगा साल, ऐसे उड़ते हैं जैसे ना। आप कैसे दिया था आपका निकाल के सूट। मान गए सालू तुम्हें सच में, कब मेरा कुर्ता ले गई, कब मेरा नाप ले गई, कब कब क्या किया, सब मिलके हम लोगों ने कर लिया। किस किस का किसका हाथ है इसमें, हम तीनों का हाथ है। रिजा हाथ लाओ अपना, फ्रेंड्स ऐसे बंदी हुई आती है ऐसे निकालना पड़ता है, बहुत मजा आ रहा है ऐसे निकालने में। तो फ्रेंड्स अभी हम अम्मी को थोड़ा सा रेडी कर देते हैं, जैसे सुरमा लगाया था, जुमा है ना तो वो थोड़ा क्लीन करके, नहीं गीला, रेडी करके फिर आपसे बोलते हैं। अम्मी कैमरा बंद कर दो ऐसे। वाह माशाल्लाह, रिजा नजर न लग जाए, ये भी पहननी है। अभी मम्मी को लेके जा रहे हैं पापा के पास, चले अम्मी चलो। कितने साल शादी के हो गए, वही याद आ रहा है। अंकल पहचाने पापा, देखो नहीं आओ, शर्मा आ रही है, अम्मी को आज दुल्हन बनाया है ना, आज एनिवर्सरी है ना। मैं अभी अपनी कैसेट बनवाओ, आपकी शादी कैसेट बनी थी नहीं, कुछ भी
बता। तो दुल्हन की तरह बात भी कर रही हो, निकाह कबूल है कि नहीं बताओ? निकाह कबूल है? कबूल है। माशाल्लाह फ्रेंड्स, माशाल्लाह लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट से भी माशाल्लाह लिखिएगा, और नहीं लिख रहा है तो दिल में जरूर बोलिएगा कि सर हमेशा ऐसी खुश रहे, अच्छी रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे। अम्मी आप खुश हो? बहुत खुश है। आज खाइए, रिकॉर्ड बहुत अच्छी है आपकी। अच्छा, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो तो सब हमें पूरा दुल्हन बनाए बैठा ले है ऊपर आए। अरे वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, बहुत ही अच्छे। पापा दुल्हन बनने में आपने अम्मी को देखा था दिन में, कैसी लग रही थी? दिन में नहीं देखा था। उसे कलर का सूट पहना था अम्मी ने, जब आपने अम्मी को देखा था पहली बार विदा होके गए थे, जब विदा होके गए थे उसमें वो था गुलाबी। अच्छा, पापा को याद है। और पापा ने क्या पहना था? पापा सफारी सूट पहने थे। सफारी सूट, उस टाइम सफारी सूट चलते थे। अच्छा, आज अम्मी लग रही है दुल्हन की जैसी? लग रहा है, आज तो तारीफ कर दो। कुछ बोलो, खोल के तारीफ करो। ठीक लग रही है। नहीं, और कुछ अच्छा है? बहुत शांति है हमारा। शांति है, हम परेशान भी आए तो भी नहीं साथ छोड़ा। अरे मम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी। और आपने भी तो अम्मी को कितने आराम से रखा है। बहुत ज्यादा, बहुत मोहब्बत करी है। हम परमानेंट हो गए थे ना। हाँ, बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से रखा। कभी पापा ने मेरा दिल नहीं तोड़ा। सही, आगे से आगे आपकी हर ख्वाहिश, आगे से आगे हर चीज। नहीं नहीं, सही, ऐसे ही होना चाहिए। देखो पापा ऐसे, भाई भी ऐसे ही है। बहुत अच्छे माशाल्लाह, पाकि उनको अच्छा रखे। अच्छे ही है माशाल्लाह सब। यही दुआ है, अल्लाह इसे हंसते रहे। बस क्या कर रही हो? साल ने तैयार की ने, वो जो पंजाबी पहनते हैं चूड़ा वही है। अरे माशाल्लाह, कितना आप अच्छी लग रही है तय। अरे कितना खूबसूरत लग रही है आप। अरे आप रिकॉर्ड तोड़ दीजिए तय। तो रात में 1:30 बजे नीचे आए, ऊपर खाया, उसके बाद चाय भी, बहुत सारी बातें की है। आप इतना रो रही होगी विदाई में? रोई थी आप विदाई में? आ जाता है रोना। किससे गले लग के रोई थी? हमें मौका नहीं दिया था। क्यों? तुम उठा के बैठा दिया था, डोली में गई थी। हाँ, डोली में इतनी बारिश हो रही थी। अम्मी आपने भी कढ़ाई में खाना था? इतनी बारिश, हमें मौका ही नहीं मिला। घी शक्कर चावल खिला दिए थे बस। अच्छा, खाने में सब चकराना। कितने सूट मिले थे? 2। ससुराल जाके आपको घर में सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही थी? नंदा बेटी खाना की, अम्मा की। हाँ, नंदा बेटी खाला वही आ गई थी पीछे पीछे। अच्छा, डोली के हमारे पीछे पीछे नंदा फराक पे चली आ रही थी। फिर वलीमा, वलीमा वलीमा नहीं हो तो हमारा नहीं हुआ कुछ भी। कुछ तो हुआ होगा। कुछ भी नहीं हुआ सर। होना चाहिए, नहीं हुआ, अब कर देंगे। आज हमारी शादी की सालगिरह थी, 24 जून को हमारी बारात थी, अब 20 जून को सानू हो गया था। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, और पिछले ब्लॉग की मुझे एंडिंग नहीं थी, स्पेशली एंडिंग लेनी थी, इसलिए मैंने अभी सोचा मैं कपड़े चेंज करके आपसे उस बारे में बात करूं। जैसे आपने देखा कि अम्मी को हमने दुल्हन बनाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, कितनी खुशी हुई। इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस एज में हमारे साथ फिर से ऐसा होगा। बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें रहती हैं हमारे माँ बाप की जो उस वक्त नहीं पूरी हो पाई है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पूरी करें, और मैंने वही किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बता नहीं सकते फ्रेंड्स, कल से अम्मी इतनी खुश है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी फोटो सेंड कर दो, बच्चों को सेंड कर दो, खाला लोगों को सेंड कर दो, सबको दो, अपनी फ्रेंड्स को, यहाँ पे इतना ज्यादा, तो बस वो खुशी देख के बहुत अच्छा लगता है। और इसी चीज से रिलेटेड मुझे, जब मैं अम्मी के लिए चूड़ियां लेने गई, तो आपको पता है कि अम्मी का जो साइज है वो बहुत बड़ा, और मुझे था कि मुझे चूड़ा पहनाना है। चूड़ा मिल ही नहीं रहा था, एक शॉप पे मिला, मैंने कहा भैया मुझे ये दे दो, तो उन्होंने कहा आपका साइज, मैंने कहा नहीं मेरी मम्मी के लिए है, तो कह रहा वो शॉक हो गए। हाँ,
कह रहे नहीं नहीं ये वाला नहीं दे सकते, ये वाला नहीं वो पहन सकते। तो मैंने कहा क्यों नहीं पहन सकते? तो कह रहे नहीं ये शादी जिनकी होती है उनके लिए। मैंने कहा भैया मुझे पता है उनके लिए, लेकिन मुझे अपनी मम्मी को पहनाना है। उसके बाद फिर वो बोले अच्छा मम्मी की एज कितनी है? उनको लगा अच्छा ये बड़ी है, इससे भी बड़ी मम्मी होगी। तो मैंने कहा क्यों भैया आपको क्या करना है इससे? तो बोले नहीं नहीं ये ज्यादा उम्र के लोग नहीं पहनते। तो मैंने कहा भैया मेरी मम्मी है, मैं बना रही हूँ, मैं लेने आई हूँ, आपको देने से मतलब है? आप प्राइस बताओ, मुझे वो चीज दो। मेरे दिमाग में तब से ये बात चल रही थी कि हम सबको ये सोच बदलनी है अपने आस पास, क्योंकि ऐसा हम बहुत सुनते हैं एज हो गई। अगर आप कभी भी जाओ अपने बोलो मम्मी के लिए चाहिए, तो वो एकदम लाइट और फीके कलर पहनाएंगे। फीके कलर भी पहन सकते हैं जिसकी जो चॉइस है। लेकिन अगर किसी की मम्मी की चॉइस है कि उनको कुछ अलग पहनना है या डार्क कलर पहनना है, तो फिर आप उन्हें रोको नहीं। अपने आसपास भी सबकी सोच बदलो। मतलब अगर किसी के हस्बैंड बहुत पहले चले जाते हैं तो उसको लाइट कलर ही पहनना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। नहीं, हमें सबको मिलकर सोच बदलनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी सोच से अग्री करोगे। अगर अग्री करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मुझे ऐसा लगा, बाकी आपको क्या लगता है। क्योंकि ये सब चीजें आप खत्म कर देना चाहिए कि एज हो गई है तो ये कलर पहनो, हस्बैंड नहीं है दुनिया में तो ये कलर पहनो। सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, जिसको जो पहनना है, जिस तरह पहनना है, जिसको जिसमें खुशी मिलती है वो करना चाहिए। तो हमें अपने आसपास अपने घरों से ये चीज शुरू करनी चाहिए कि उम्र हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। एक ही जिंदगी है, उसे अच्छे से और खुशी से जीना चाहिए और अपनी हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।